हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एक आवश्यक सूचना है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वैसे विद्यार्थी जो फॉर्म बीसीसी का भरे हैं, बीसीसी का फॉर्म 2021 में भरे हैं, और देखिए जब आप फॉर्म भरे होंगे तो दो प्रकार का आपको एक रिसीविंग मिला होगा पार्ट ए, और दूसरा का मिला होगा पार्ट बी। दो प्रकार के रिसीविंग मिला है। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एडमिट कार्ड में, अगर एडमिट कार्ड आज डाउनलोड करते हैं और आपको एडमिट कार्ड आज 30 तारीख है, आज से आपका रात से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू, अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह का कोई त्रुटि पाया गया है, आपको लगता है कि हम पीसीबी से थे हमको सीबीए कर दिया गया, या पीसीएमबी से थे हमको पीसीएम हो गया, जो भी आपको त्रुटि मिले, या मैथ जो भी नाम गांव पिता का जो भी चीजें त्रुटि पाया जाए, अगर कहीं गलतियां एडमिट कार्ड में हो जाए, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है, और इस अक्टूबर के जो डेट दिया गया है 1 से 4, इसी के बीच में आप जो फॉर्म भरे थे, आप जो फॉर्म भरे बीसीसी का, तो दो को जो प्रति मिला था आपको रिसीविंग पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों को लेकर के, और साथ में जो एडमिट कार्ड पे त्रुटि पाया वो एडमिट कार्ड लेकर के, आप 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में ही आप आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट कार्यालय में पहुंच जाइए। कार्यालय क्या है? बीसी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कहने का मतलब हो गया ये बोर्ड का कार्यालय है आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट चले जाइएगा, हवाई अड्डा के निकट, और वहां जाकर के आप सुधरवा लीजिएगा, वरना एग्जाम आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं सुधरवाते हैं तो एग्जाम आपको नहीं हो पाएगा, आपका सब मेहनत बेकार चला जाएगा, पैसा बीसीसी का बेकार चला जाएगा, जो फॉर्म भरे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जितना गलती है, वो जिसका भी गलती है, 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में ही सुधरवा सकते हैं। इनके अलावा आप अगर डेट ही खत्म हो जाए 4 अक्टूबर के बाद, आप नहीं सुधरवा सकते, 4 अक्टूबर के बाद कोई काम नहीं होगा। एड्रेस है आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जाना है, उस कार्यालय में आपके मोबाइल है, मोबाइल पे लोकेशन देखिए कार्यालय का और चले जाइए, और हो सके तो साथ में एक आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है, चलो आधार कार्ड भी ले लेंगे, आधार कार्ड भी सुधरवाने जाए तो ले लेंगे, आधार कार्ड के साथ साथ फोटो भी ले लेंगे, जो आप बीसीसी में लगाए थे वो वाला फोटो भी ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद मांग दे, वहां पे लिखा तो है सिर्फ यही दो वो लाना है, लेकिन जाने के बाद बहुत तरह का मैटर कर सकता है। अगर आप जो सर्टिफिकेट बीसीसी का फॉर्म भरने में 10th 12th का डाले हैं मार्कशीट, इंटर का डाले हैं मार्कशीट, वो इंटर का मार्कशीट भी ले जाइएगा, 12th का मार्कशीट भी ले जाइएगा तो और बेहतर, ओरिजिनल नहीं फोटो कॉपी ले जाइएगा तो और बेहतर, आधार कार्ड ओरिजिनल देखेगा वहां पे तो और बढ़िया बात है। इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।